आप तो श्रेया जी की मुरली में कहा है कि साक्षात्कार का अर्थ समझने वाले छोटी माँ है, लेकिन पहले गीता माता साक्षात्कार की बात को समझते हुए ना, फिर बाद में दादा लेकर ब्रह्मा बाबा को समझाती है ना, फिर छोटी माँ कैसे कहा है, फिर छोटी माँ कैसे कहा है, क्या कैसे कहा आदि, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी माँ रुद्रमाला का मंका है या विजयमाला का मंका है? रुद्रमाला का मंका बुद्धिवादी होता है या विजयमाला के मंके बुद्धिवादी होते हैं? तो जो रुद्रमाला का मंका है वो तो बुद्धिवादी है, वो साक्षात्कार से बात को समझेगा या बुद्धि से समझेगा? साक्षात्कार से समझेगा, बुद्धि के साक्षात्कार से समझेगा। माने बड़ी माँ जो है उसके सामने साक्षात्कार की बात नहीं है, वो तो बात को बुद्धि के आधार पर समझने वाली है। और छोटी माँ, हाँ छोटी माँ बुद्धिवादी नहीं है, तो भावनावादी है। इसलिए साक्षात्कार वो बहलती है। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, एक रूप कहा जाता है, एक बसंत कहा जाता है। तो देव गुणों की खुशबू आती है किसमें? बुद्धिवादी में आती है या दिल वाले में आती है? दिल वालों में आती है। दीदी मम्मा को कहते हैं, दीदी मम्मा को कहते हैं, फिर दीदी यमुना को कहते हैं क्या? नहीं, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां बताई गई, उनका नाम दिया है प्रजातका प्रजाति की प्रता कश्यप ब्रह्मा। उनसे सृष्टि पैदा हुई, दो पत्नियां थी, एक दिति बड़ी और अदिति छोटी। दिति से दैत्य पैदा हुए, दैत्य होते हैं अद्वैत युग में या द्वैत युग में? दैत्य होते हैं द्वैत युग में और अद्वैत होते हैं अद्वैत युग में। सत्य को त्रेता है अद्वैत युग और द्वापर कलयुग है दैत्यों का युग। यज्ञ के आदि में स्थापना हुई तो भक्तों के द्वारा फाउंडेशन पड़ा या ज्ञानी तो आत्माओं के द्वारा फाउंडेशन पड़ा? फाउंडेशन किसके द्वारा पड़ा? ज्ञान था शुरुआत में? ज्ञान तो था ही नहीं। कहे कि प्रजापिता ने शिव ने प्रवेश करके ज्ञान दिया तो ज्ञान अधूरा था या संपूर्ण था? ज्ञान ही अधूरा था, खुद प्रजापिता ही फेल हो गया। शिवाजी के पिता का नाम शाहजहां है, पिताजी का नाम क्या है? शिवाजी हिंदू है, ताजा मुस्लिम है, ऐसा उसका होता है। लक्ष्मण
लगता है माता जी को कोई दूसरा लिखवाता है। माता जी पढ़ पढ़ के सुनाती है। बाबा अहल्या ने सर्प को ले आई तो है, अहल्या ने सर्प को ले आई तो आई आई माने ही सर्प ले आ माने ले आई। क्या यमुना ने तीन बीज इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन में तो बीज को ज्ञान सुना के बाप के सामने ले गई क्या? जो यमुना है तो अहल्या है बीज रूप में, आधारभूत में भी अहल्या है। बीज होगा तो बीज की कोई जड़ भी होगी, जड़ माने आधार मूल, बीज माने बाप समान। बाबा ऐसे कह रहे हैं कि जगदम्बा भी शरीर छोड़ेंगे, क्या ये सही है क्या? जो भी आत्माएं उत्साह पूरा नहीं करेंगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। भक्ति मार्ग के संस्कार थोड़ी भी रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब ज्ञान मार्ग का पक्का और ज्ञान मार्ग के कच्चे कौन कौन से धर्म वाले ज्ञान मार्ग के पक्के कहे और कौन कौन से धर्म वाले ज्ञान मार्ग के कच्चे कहे हैं? तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, तो सूर्यवंशियों को पक्के कहे या चंद्रवंशी इस्लामवंशी बौद्धवंशी किसी और क्रिश्चियन वंशी कोई को भी पक्का दे, सूर्यवंशी को पक्का दे। तो माला में भी पक्के हैं सूर्यवंशी के बीज और धर्मों के जो बीज हैं उनको पक्का नहीं कहेंगे। चंद्रवंशियों का बीज कौन है मूल? रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का मूल बीज कौन है? जगदम्बा। तो अपने को कन्वर्ट करके वो सूर्यवंशियों की सहयोगी बन पाती है 21 जन्म के लिए है? बनती है नहीं बन पाती? क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि पूरे पूरे अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर सकती। जगदम्बा स्वर्ग में रहेगी क्या? स्वर्ग में तो आएगी। जगदम्बा स्वर्ग में रहेगी, स्वर्ग में रहेगी। 84 जन्म भी लेगी लेकिन पूरे 84 जन्म क्या ये सही है बाबा? क्या बाबा प्रजापिता से एक साल से भी ज्यादा उम्र उम्र है जिनका है? प्रजापिता से एक साल से भी ज्यादा उम्र है जिनका वो शरीर छोड़ेंगे, क्या ये सही है क्या? मैंने प्रजापिता की उम्र है 42 जन्म और उसकी उम्र उस हिसाब से होती है जाकर के 66 और जिनकी उम्र 67 साल है। माना प्रजापिता ने जब शरीर छोड़ा होगा उससे एक साल पहले ही वो शरीर छोड़ करके जन्म ले गए। तो पहले पहले यज्ञ को किसने छोड़ा होगा? हैं? रम वाली आत्मा ने छोड़ा।
इससे साबित होता है कि दूसरी आत्माएं जिनकी उम्र ज्यादा है वो तो फिर उस मृत्यु में ही नहीं आती। बाबा सूक्ष्म होता है नहीं कहते, फिर विनाश के समय आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म होता में जाएगी, सूक्ष्म छेद में जाएगी, शरीर नहीं होगा लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन में रहेगी, स्थूल शरीर नहीं रहेगा। संसार की ऊंची ऊंची स्टेज में रहेगी और सूर्य से छोड़ करके चंद्रवंश से लेकर सारे धर्मों वाले शरीर छोड़ेंगे क्या? अभी अभी को बताया बताया भूल गए तो वो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, देवी देवता सनातन धर्म के पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं, उनमें जो पहले जन्म की प्रजा है उसकी क्या खसूसियत होती है? यथा राजा तथा प्रजा, राजा ज्ञानी तू आत्मा तो प्रजा भी ज्ञानी तू आत्मा होगी, प्रजा में भी कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ होगा और चंद्रवंशियों में वो ज्ञान वो नहीं होगा। ज्ञान माने पहचान, यदि पहचान हो तो कोई बाप को छोड़ेगा क्या? हाँ नहीं छोड़ेगा, पहचान नहीं होती है तो छोड़ना होता है, दूसरों को पकड़ना होता है, भटक जाते हैं, भक्ति मार्ग में भटकते हैं, ज्ञान मार्ग में भटकते हैं, ज्ञान मार्ग में तो पक्का ठिकाना मिल जाता है, एक ठिकाना मिल गया तो इधर उधर क्यों भटकेगा, धक्के क्यों खाएगा? भक्ति मार्ग में धक्के खाना होता है। बाबा कौन सा सिखाते हैं? फूल शरीर छोड़ना सिखाते हैं या देहभान छोड़ना सिखाते हैं? बाबा तो हमें सिखाते ही हैं जीते जी मरना, जीते भी रहे लेकिन देहभान से पूरे मर जाए। बाबा सुभद्रा का पास अष्टदेव में दूसरे मणके है, दूसरा मणके है क्या? उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर दिखाते हैं, है? जगन्नाथ के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां दिखाई? कृष्ण बलराम सुभद्रा और सुभद्रा, तो जो कृष्ण और बलराम है वो तो बाप दादा हो गए, राम कृष्ण वाली आत्माएं हो गई, तू माने क्या और भद्रा माने क्या है? तू माने सुंदर और भद्र माने कल्याणकारी, सुंदर रूप से सभी का कल्याणकारी, तो जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ के साथ सुभद्रा दिखाई गई है तो किसकी यादगार हुई? छोटी मम्मा की यादगार हुई, बड़ी मम्मा की यादगार हुई, या यमुना की यादगार हुई, या गंगा की यादगार हुई, किसकी यादगार हुई?
है बड़ी मम्मा है जो सदा साथ रहे उसी की यादगार होगी, या साथ में रहने में बिछड़ जाए संग में भी उसकी यादगार होगी। जब से ज्ञान में चले, चाहे एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, आज से लेकर के अंत तक साथ रहे। ऐसे कितने मुड़के हैं जो आज से लेकर के अंत तक साथ रहते हैं? आठ, और आठ में भी सबसे जास्ती साथ किसका रहता है? अरे नंबर वार है तो नंबर वार ही साथ देते होंगे ना। नंबर वन का साथ देने वाले सात हुए ना, तो वो सातों नंबर वार होंगे या बराबर होंगे? नंबर वार होंगे। तो उनमें जो पहला है वो सबसे जास्ती साथ देता है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में साथ दिखाया जाता है सुभद्रा। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर जी को कौन सी नगरी प्यारी है? सात ही नगरी प्यारी है। आत्मा तो परमात्मा ये बात सिर्फ प्रजापिता के लिए ही लागू होता है क्या? पूछने की बात है, कौन सी आत्माओं के बीच में पाठ बजाने वाली जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उन आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा है जो परम पाठधारी है? परम माने हीरो पाठधारी है। एक प्रजापिता की ही आत्मा है, ऑलराउंड पाठधारी। लंबा चौड़ा तो लाजमी माने क्या? लाजमी माने अवश्य, जरूर जरूर। जवाब मिल गया ना? ब्रह्मा ही रावण बनता है, ब्रह्मा रावण का बाप है। रावण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांच तत्व और पांच विकार, ये रावण के रूप है। और इनका बाप है देवन, देवान ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा के रात ब्रह्मा के दिन होते माना ब्रह्मा है माता का पाल, माता में देवान रहता ही रहता है। और क्या ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा की रात हो जाएगी? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन है तो ब्राह्मणों का दिन है, ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की रात है। अभी क्या है, अभी ब्रह्मा का दिन है कि ब्राह्मण की रात है? है क्या है? संगम है। हाँ संगम तो है, लेकिन संगम में रात कहे या दिन कहे? दिन है। दोनों है। अनित्य माने रात और नित्य माने दिन। तो ब्रह्मा को अभी अनित्य है या नित्य है? ब्रह्मा को ही अनित्य है तो सबको घड़ी घड़ी अनित्य आता रहता है। और सौ का नाम
जो कहते हैं हम करके दिखाएंगे, हम स्वर्ग स्थापन करेंगे, हम स्वर्ग बनाएंगे, वो करेंगे करेंगे कुरु कुरु हो गए। वो कुरु की औलाद है कौरव और पंडा की औलाद है पांडव। पंडा उसे कहा जाता है जो पार लगाता है, पार लगाने वाला है एक भगवान। ज्ञान तो शिव से ही मिलते है ना, ज्ञान देने वाली आत्मा है शिव। वो तो सतो भगवान है, वो देवान में तो नहीं आते हैं। हाँ जी देवान में नहीं आते हैं। तो ज्ञान तो सतोभ्रवान से ही आना चाहिए ना, चार अवस्था चार अवस्था होने क्यों गुजर रहे। और क्या समझते हैं कि रामकृष्ण की आत्मा ज्ञान देने वाली भाव बोल रहे हैं ना, ज्ञान भी ऐसा काम अवस्था में गुजर रहे। मनुष्यों के अंदर की बात बताई, परमात्मा सुप्रीम सोल की बात नहीं बताई कि चार अवस्था में गुजरता है। वो तो सतोभ्रवान ही है जिसमें प्रवेश करता है, या जो बच्चे उनके संसर्ग संपर्क में आते हैं उन सबका ज्ञान चार अवस्थाओं से पसार होता है। केवल ही चार अवस्थाओं से पसार होता है, जो चक्कर में आवे जो गिनती में आवे, शिव को चक्कर में आवेगा कहेंगे नहीं। तो चार अवस्थाओं में कैसे आएगा, चार अवस्थाओं के चक्कर में आत्माएं आती हैं, यह सुप्रीम सोल आता है, आत्माएं आती हैं। एक प्रश्न आया है, पृथ्वीराज चौहान जब अंधा हो गया तो उसने मोहम्मद गौरी को कैसे मार गिराया, क्योंकि अंधा आदमी तो युद्ध कैसे करेगा। प्रैक्टिस थी आवाज भेदी बाण मारने की, या बिना देखे शिकार को देखा नहीं, लेकिन आवाज आई कहीं से, पीछे से आई, दाएं से आई, बाएं से आई, देखा नहीं और आवाज के आधार पर बाण मार दिया। एक्यूरेट उसी जगह पर जाके लगा जहां से आवाज आई, तो देखने की बात है क्या है ना आंखों से है? तो ऐसे ही मोहम्मद गोरी को इशारा मिला, उसे चार पांच चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। क्या चार बांस ऊपर और चौबीस गज और आठ अंगुल ऊपर, पृथ्वीराज को इशारा दे दिया कविता करके, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो हिंदी इतनी जानता नहीं था, तो कविता बोल दी और इशारा दे दिया इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, अभी चूकने की बात नहीं है। उधर ही उन्होंने निशाना बांध दिया। उनके मंत्री ने जो कवि था बड़ा भारी, मुसलमान लोग लेडीज कपड़ा पहनते मुसलमान काला कपड़ा पहनता है माता जी ने, औरतें महाकाली की औलाद है ना, चंडिका देवी की औलाद है, जिसकी औलाद है वैसे ही कपड़े पहनेगी ना। और अपन किसकी औलाद है, सरस्वती पुत्र है इसकी औलाद है, हम ब्राह्मण हम सरस्वती पुत्र हैं, तो सरस्वती के कैसे कपड़े होते हैं, सफेद कपड़े होते हैं।
शिवाजी महाराणा प्रताप पृथ्वीराज कोई लास्ट राजा है थोड़े ही हुए हैं दिल्ली के। पृथ्वीराज चौहान तो कलयुग के आदि का है, महाराणा प्रताप मध्य के हैं, और शिवाजी तो औरंगजेब के जमाने का है। जब मुगलों का पतन होने लगा उनको लास्ट राजा थोड़े ही कहेंगे, लास्ट में तो ढेर के ढेर राजाएं होते हैं हिंदुस्तान में, या एक दो राजा होते हैं, ढेर के ढेर राजाएं होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में कितने को महाराजा का टाइटल मिल गया, अपनी भाषा में बोल दो। पड़े नरसिंहस्वाम देवालय गोपुर मेरे पड़े बारिश पड़ते समय वो फट के निकल के इसमें मोला से आता है। बिजली गिरती है, बिजली गिरती है ना, वो मंदिर में चोटी में गिरे, वो चोटी जो है वो फट गए कदरी में। क्या बड़ी बात होगी, बिजली अक्सर करके गिरती रहती है। जो गुंबद में जो उन्होंने लगाया मेटल का, तांबे आदि धातु का लगाया, उसका कनेक्शन नीचे जमीन में नहीं दिया होगा, वो फट गया। उसका तार के द्वारा नीचे अगर कनेक्शन दिया होता तो बिजली नीचे जमीन में चली जाती, फटने की बात ही नहीं रहती। अभी एक महीना पहले होगा, भोर हो रहा है इधर सब होना ही। बाबा उसके मन में आया ना वो मन क्या है, वो मन क्या क्या बोला तुमने, अभी मुरली में आया ना कितबो, क्या कितबो पटगो ஒரு பேரூர்த்தி பாபா சிங் கேட்டி இன்னும் பாபா சோடிமா படிமா ராமவாரி ஆத்மா பல்லேகரம் இல்லை சாரோ ஏன் मूर्ति अभी लेखराज की है, कैसे गिनेंगे मूर्ति, खाली मूर्तियाँ चाहिए आदि में विश्व विजय करके दिखलावे आदि में। आज की बात झंडा जो झंडारोहण किया जाएगा, जो झंडा के तीन कपड़े सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, वो प्रैक्टिकल में मूर्तियाँ चाहिए या मरगरी को चाहिए, प्रैक्टिकल में चाहिए तो तीन मूर्तियाँ कौन सी होंगी। झंडा हम चाह रहे हैं हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे, वो कौन से तीन कपड़े हैं जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं।
ब्रह्मा का इसमें मीडिया खोल लेते हैं। अरे पहले ये बताओ ब्रह्मा का कपड़ा है तो है ही नहीं। वो ब्रह्मा की आत्मा जिस बड़ी माँ में प्रवेश करती है वो जगदम्बा हुई ब्रह्मा प्रैक्टिकल में कपड़ा, इसलिए वो हरे रंग का कपड़ा वो हो गया। फिर वैष्णवी का कपड़ा सफेद, साक्षरता की निशानी। फिर क्रांति करने वाले की निशानी लाल कपड़ा शंकर का। ये तीन प्रैक्टिकल कपड़े हैं जो सारे विश्व के ऊपर मिलकर के विजय प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मा यादगार नहीं है तीन मूर्तियों में आज बाबा राम जी ने चाय पिलाने के बाद मास्टर का था मास्टर करता है शास्त्र तो शादी होने के बाद शादी होने के बाद खुशी आ गई इसलिए करते होंगे पालना तो प्रजा की करनी है ना। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा किस काम का। रामवर जी ने राम फेल हो गया ना कहते कबू है बोला है बीस और पच्चीस वर्ष उन बच्चों के लिए क्या बोला है वो बीस कोई पच्चीस वर्ष के हो गए होंगे तारीख की मुरली में बोला है वो किसकी कैबिन की मुरली है इसकी सेवन में से 20 और 25 वर्ष घटाया जाए तो कौन सा सन आता है 42 और 47 ये दो शब्द दो सन आ जाते हैं उनमें एक वाली राम सीता वाली आत्मा एक राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा ने पहले शरीर छोड़ा सीता वाली आत्मा ने बाद में शरीर छोड़ा। जिस समय शरीर छोड़ा उसी समय कहेंगे फेल हो गए। यज्ञ में आज से अंत तक बने रहे तो फेल कहेंगे कि पास कहेंगे। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा और बीच में ही खा हो गए तो फेल हो गए। राम जी का पिता भी व्यस्त रहता है ना बाबा। अच्छा दशरथ है अभी वो तो नहीं बाबा अभी दशरथ है कोई रथ माने क्या रथ माने शरीर और दस माने क्या पांच और पांच दस। तो झाड़ के चित्र में नीचे कितनी जड़ें हैं दस जड़ें हैं पांच इधर और पांच इधर। ये दस जड़ें जो हैं राम वाली आत्मा तो 76 से प्रत्यक्ष होती है तो 76 से पहले कोई दस जड़ें हैं ब्रह्मा के जमाने की जो राम वाली आत्मा की पालना करती है वो दशरथ हो गए। उनमें यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता भी शामिल है वो भी एक रथ हो गया जिसके लिए मुरली बोला राम ही रावण बनता सबसे बड़ा रथ वो हो गया। रावण को भी कितने रथ होते हैं पांच दस।
और वो भीष्म पिता वहाँ छोटी मम्मी के लिए लागू होता है क्या? भीष्म पिता का स्त्री था या पुरुष था? और छोट बड़ी छोटी मम्मी छोटी मम्मी प्रवृत्ति मार्ग में रहेगी या निवृत्ति मार्ग में रहेगी? भीष्म पितामह निवृत्ति मार्ग वाले थे या प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? ये तो बात कहाँ से निकालनी चाहिए? छोटी मम्मी निवृत्ति मार्ग वाली मतलब सन्यास के हिसाब से, मतलब सन्यास के हिसाब से सन्यासी है ये, ब्रह्मा के परिवार में है। हाँ, जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं वो तो ब्रह्मा के परिवार के हो गए, जो ब्रह्मा को भी नहीं मानते मुरलियों को भी नहीं मानते वो हो गए निवृत्ति मार्ग वाले। ने आता है ना तो दिल दिखता है, परंदामी में सूक्ष्म पे हूँ, दादा में तो मतलब क्या है सूक्ष्म से मैं बताते हैं ना, मैं परंदामी निवासी हूँ, दिल सिखाते हैं तो भी देखा को सब मतलब है परंदाम निवासी सूक्ष्म निवासी एक मिनट के लिए बताते हैं दिल सिखाते हैं कौन नीचे वालों में सिखाते हैं उनकी बात क्यों उठाते हैं? बाबा मुरली में क्या सिखाते हैं वो बात उठाओ। नीचे वाले उल्टा ज्ञान देते हैं या सीधा ज्ञान देते हैं? उनकी बात उठाने को बुलाते हैं ना, मेरे बुलाते हैं ना, तब सब दृष्टि घेर कर एक मिनट के लिए शांत हो जाओ, ब्रह्मा होते हैं ना बुझा जाते हैं वो मतलब क्या है? दिल सिखाते हैं मैं परंदा में निवासी हूँ और सूक्ष्मी निवासी हूँ और सूर्य का निवासी हूँ, बोल रहा है और ब्रह्मा मैंने खुद आकर बोल रहा है ना दिल भाषा में बोल दे कोई कोई तो समझेगा। अवैक्तवाणी में ब्रह्मा बाबा ने एक मिनट के लिए दिल सिखा देते बाबा है। अवैक्तवाणी में ब्रह्मा बाबा ने समान में आकारी आकारी निराकारी एक सेकंड में साकारी हो जाओ, एक सेकंड में निराकारी हो जाओ, एक सेकंड में आकारी हो जाओ, मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि साकारी हो जाओ माने देह भान में है, अभी आठ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कभी तो साकारी स्टेज है। अब एक सेकंड में हम जैसे कि बुद्धि से त्याग दिया, कर्म करना भी बंद किया, आंखें होते हुए भी खुले होते हुए भी जैसे हम उड़ गए, ये दुनिया देखने में नहीं आती, जहाँ बुद्धि मन जहाँ पहुंच गया बस वहाँ की स्टेज हो जाती, ऑब्जेक्ट हो गए। उस ऑब्जेक्ट में दो तरह की स्टेज में, एक है मनन चिंतन मंथन की स्टेज, ज्ञान की स्टेज या नई दुनिया की स्टेज या नई दुनिया की प्लानिंग की स्टेज, वो है आकारी स्टेज। और इससे भी ऊपर एक और स्टेज है जहाँ से निराकारी स्टेज। तो एक सेकंड में निराकारी हो जाओ, एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन में चले जाओ, और एक सेकंड में जब चाहो तब कर्मेंद्रियों के कर्म करने की स्टेज में आ जाओ। ये तीन अवस्थाएं बताएंगे, देखो मानी ये प्रैक्टिस घड़ी घड़ी करना है, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तपस्या में बैठे हैं बाबा, तपस्या करने का समय
क्या क्या टीवी में देखते रहते और टीवी की बातें याद आती रहती। मुरली के पॉइंट अग्रवाणी के पॉइंट याद ही नहीं आते। देवताओं का जो इंद्र है राजा है तो देवेंद्र है। देवताओं का जो राजा है वो देवेंद्र है। बाबा एक मुरली भी बोला था भगवान ने आकर के सुख नहीं देता दुख नहीं देता सिर्फ ज्ञान देता। ठीक है तो लेकिन भक्ति मार्ग में भक्ता मार्ग में भगवान ही सब कुछ देता ऐसा गायन हुआ। भगवान देता है सब कुछ दुख देता है भगवान दुख भगवान देता है नहीं बाबा ये तो गायन हुआ ना भगवान भगवान रास्ता बताता है इस बात लेकर के बात को लेकर के कि भक्ति मार्ग में ज्ञान को पूरा समझते नहीं है। भगवान किसी को कुछ देता नहीं भगवान किसी से कुछ लेता नहीं सिर्फ रास्ता बताता है। उस रास्ते बताए हुए रास्ते के अनुसार जो चलते हैं वो सुखी हो जाते हैं और जो भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार नहीं चलते हैं अपनी मनमत के आधार पर चलते हैं या दूसरे मनुष्य गुरुओं के आधार पर चलते हैं वो दुखी हो जाते हैं। भगवान के ऊपर क्यों लागू हो गया अज्ञानता। अज्ञानी है तो ऐसे कहते हैं जो ज्ञानी है वो तो जानता है जैसा हम करेंगे वैसा ही पावेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा पावेंगे बुरा करेंगे तो बुरा पावेंगे। उसमें भगवान क्या करेगा भगवान तो उससे रास्ता बताता है करो या न करो तो भी वो रास्ता बताएगा। जो बच्चे नहीं करते हैं तो भगवान को बुरा नहीं लगता कि इन्होंने हमारी बताई हुई बात हमारे बताए हुए डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया और जो करते हैं उससे उनको कोई सुखी बहुत सुख नहीं हो जाता। वो तो जानते हैं ड्रामा में नूड है सबका करना और न करना साक्षी होगी देखता है। चलो बादल आदल आ रहे हैं।